जैसे कि समाजवादी पार्टी के लीडर थे, उन्होंने बोला कि उनके पास 50 लीडर हैं। सर 50 में से आप दो चार के तो नाम बताओ जो ऐसे लीडर हो जो मोदी जी को फेस कर पाए। सीएजी की रिपोर्ट में अगर 250 करोड़ रुपए का 1 किलोमीटर सड़क बन रहा है तो महाठगों के सरदार का नाम नरेंद्र मोदी है। अलाउड नहीं भैया, ये अलाउड नहीं। आप प्रधानमंत्री को महाठगों का सरदार कह रहे हैं। आप एक मामला बताइए जो साबित हुआ हो। आप एक मामला बताइए जो साबित हुआ हो। क्या माफी मांगिए आप? आप एक मामला बताइए जो साबित हुआ हो। जब हम कहते हैं कि बेटा कुछ पढ़ लिख के बन जाओ, तो जब कहते हैं ना अगर नहीं पढ़ोगे तो ठीक नहीं बनेगा, आपको उसमें मोदी जी क्यों नजर आते हैं? किसी का नाम नहीं लिया जाता, मोदी जी का चेहरा आपको क्यों नजर आता है? उस बात का जवाब दे दीजिए। जिस नेता के पक्ष में बोल रही है, जो कहने की कोशिश करते हैं केजरीवाल जी, आज इनकी गति और दुर्गति देखिए, उनकी किस शिद्दत के साथ डिफेंस किया जा रहा है। किसके साथ? जिसने इनको गुजरात में इनका वोट हाफ कर दिया, पंजाब में इनका स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में इनको साफ कर दिया, और उसके बाद आज उनके साथ खड़े हुए हैं। इसे कहते हैं कि सौ-सौ जीते खाएं तमाशा फिर भी देखते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और न्यूज डिबेट रिएक्शन वीडियो पर। दोस्तों आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले वो होने वाला है TV9 भारतवर्ष, News18 और Times Now भारत चैनल का। और दोस्तों आज की इस डिबेट के अंदर 2024 के चुनाव को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर और महिला उत्पीड़न जैसे मुद्दे को लेकर चर्चा होगी, जिसके अंदर दोस्तों बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, सुधांशु त्रिवेदी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया सीनेट और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी के बीच में आपको काफ़ी तीखी बहस इस डिबेट में देखने को मिलेगी। दोस्तों वीडियो बड़ा ही कमाल का होगा, इसलिए वीडियो का अंत तक जरूर से देख के जाइएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर से करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सवाल यह है कि कौन कहां से लड़ेगा, कौन कहां से नहीं लड़ेगा, इसकी चिंता देखो भारतीय जनता पार्टी को कितनी है, कितनी चिंता है कि भाई इंडिया में कौन कहां से लड़ेगा, क्यों लड़ेगा, किसने लड़ेगा। अरे भैया ये इंडिया है, राष्ट्र के मुद्दों पे सब एक हैं, जो जहां से लड़ेगा वहीं से जीतेगा। और भारतीय जनता पार्टी का आप कह रहे हैं हाथ में क्या होगा, हाथ में भारतीय जनता पार्टी की जड़ होगी, जो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंका जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर से और देश के अंदर से। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर में राष्ट्र के मुद्दों पे कभी बात नहीं की। ये महिला समस्या पे बात नहीं करते, ये बेरोजगारी पे बात नहीं करते, महंगाई पे बात नहीं करते, किसान की समस्या पे बात नहीं करते, गांव की समस्या पे बात नहीं करते। मणिपुर में बेटी के साथ अन्याय होता है, हमें चिंता है। बेटियों के साथ अन्याय होता है दिल्ली के अंदर, हमें चिंता होता है। अनुराग जी इंतजार कर रही हूँ कि आप मुझे भी बोलने का वक्त देंगे। आप तो लगता है 2024 का इंतजार भी नहीं करेंगे, आज ही उखाड़ के फेंक देंगे सबको। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2017 में आप हारे, 2019 में आप हारे, 2022 में आप हारे, अभी आप लोकल बॉडी इलेक्शन में भी हारे, लेकिन बाय गॉड कॉन्फिडेंस इतना है कि क्या बताएं, एकदम छा गए आप। पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की आपने क्या गति की? आपको मोदी जी का चेहरा क्यों नजर आता है? किसने कहा याद आता है भाई? क्यों आपने बात बताया? अरे सुनिए, इतना बरगला जाते क्या हो जाता है? इसको लग रहा है किसी की बात बरगलाए हुए तो आप लोग लग रहे हैं भाई। देखिए ना, बरगलाए हुए तो देखो भैया कहने वाले लोग लग रहे हैं, और आप कह रही है कि दूसरा बरखला रहा है, बौखला रहा है। अरे भाई मुझे समझ में नहीं आता, आप देखिए काजोल के खिलाफ आप लोग बोल रहे हैं। अरे कौन हम लोग से क्या मतलब है भाई? क्यों बोल रहे हैं? कौन किसके खिलाफ बोल रहा है? अच्छा बताइए, अच्छा बताइए, पढ़े लिखे पता नहीं क्या, अच्छा बताइए पढ़े लिखे वाला सेंटेंस किसने शुरू किया था? केजरीवाल जी के साथ है ना भाई? पढ़े लिखे तो आप भी हैं, पढ़ी लिखी मैं तो ये कह रहा हूं। बच्चों को भी पढ़ाने की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि बेटा कुछ पढ़ लिख के बन जाओ, तो जब कहते हैं ना अगर नहीं पढ़ोगे तो ठीक नहीं बनेगा, आपको उसमें मोदी जी क्यों नजर आते हैं? किसी का नाम नहीं लिया जाता, मोदी जी का चेहरा आपको क्यों नजर आता है? उस बात का जवाब दे दीजिए। आपके लोग इतने उत्तेजित क्यों हैं? देखिए ना सबके एक के बाद एक ट्वीट है, फेसबुक पोस्ट है, साक्ष्य के साथ बोल रही हूँ, कहे मोदी जी का चेहरा नजर आने लगता है, ये चोर की दाढ़ी में तिनका है, क्योंकि आपको पता है आपके बारे में बात हो रही है, बंदा नाम नहीं ले आपके बारे में। जवाब ले ये कह रही है कि हमारे लोग बोलते हैं पढ़ी लिखी है ना, तो पढ़ के बताइए भाजपा का कौन आदमी बोला? भाजपा के सोशल मीडिया के हेड, भाजपा बताइए ना, भाजपा के कौन लोग बोल रहे हैं? पढ़े हुए बोले आप, 50 लोग सोशल मीडिया के हेड, 50 लोग आपके बोलने लगते हो। और दूसरी बात मैं सोशल मीडिया के हेड बोलिए भाई, और दूसरी बात, अरे भाई सुनिए, जिस व्यक्ति जिस नेता के पक्ष में बोल रही है, जो कहने की कोशिश करते हैं केजरीवाल जी, आज इनकी गति और दुर्गति देखिए, उनकी किस शिद्दत के साथ डिफेंस किया जा रहा है। किसके साथ? जिसने इनको गुजरात में इनका वोट हाफ कर दिया, पंजाब में इनका स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में इनको साफ कर दिया, और उसके बाद आज उनके साथ खड़े हुए हैं। इसे कहते हैं कि सौ-सौ जूते खाए तमाशा फिर भी देखते हैं। सर एक्चुअली आई फील के जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, उन सबके अपने अपने अलग आइडियोलॉजीज हैं, बट एंड जब कल को गवर्नमेंट बनेगी ऑपोजिशन पार्टी से, तो हर कोई चाहेगा कि उनकी पार्टी से कोई बने। एंड एट द एंड ऑफ द डे आई डोंट लाइक, आई एम सॉरी इफ आई यूज दिस वर्ड, वी डोंट वांट अ खिचड़ी गवर्नमेंट। खिचड़ी सरकार नहीं चाहिए, ठीक है? जिसको लगता है कि चेहरा होना चाहिए, आपको क्यों लगता है कि चेहरा क्यों होना चाहिए? मतलब जैसे उन्होंने कहा कि भी वो तानाशाही की तरह बढ़ जाता है देश, एक चेहरा क्यों? नीतियों के बीच में चुनाव होना चाहिए। सर उन्होंने जैसे कि समाजवादी पार्टी के लीडर थे, उन्होंने बोला कि उनके पास में 50 लीडर हैं। सर 50 में से आप दो चार के तो नाम बताओ जो ऐसे लीडर हो जो मोदी जी को फेस कर पाए। उनके सामने आप 50 लीडर लेके आते हो, बट आप उनके अखिलेश हैं, ममता हैं, राहुल हैं, चार हैं, ये कभी क्लियर नहीं कर पाते ना सर। एक होना चाहिए, एक लीडर होना चाहिए, क्यों हुई तो एक क्यों? इन्होंने एक अलायंस बनाया ना, इंडिया अलायंस बनाया, तो उसका चेहरा कौन है? इतने सारे लोग होते हैं तो उसमें कंफ्यूजन होता है लोगों को। मतलब इंडिया का नेता होना चाहिए। जहां तक प्रधानमंत्री के विषय में बात,
बात की, दो ही उदाहरण है कि देश के प्रधानमंत्री को सजा मिली है। एक है नरसिम्हा राव इनके समय पर जो जेएमएम ब्राइबरी कांड में सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजा दी, और दूसरी है इंदिरा गांधी जो इलेक्शन फ्रॉड में वो सजाए आपता है। तो महाठगों की सरदारनी और सरदार कौन है, ये दोनों कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इसीलिए मुझे लगता है कि कम से कम अपने इतिहास को जांच लेना चाहिए। और तीसरी बात, ये आई डॉट एंड डॉट ये देश पे डेंट करने वाले लोगों को ही अब इनके डॉट जो है डाउट बन चुके हैं, इसीलिए मैं इनसे पूछ रहा हूं। आप छोड़िए ना, जो कह रहे हैं ना, आप ही के एक तरीके से समर्थन में बोल रहे थे, एक बोलिए कि आम आदमी पार्टी ने 370 के हटने का समर्थन किया है, आप विरोध में हैं, कौन सी पॉलिसी से, यह बता दीजिए। उन्होंने मांगा है, आपने पॉलिसी मांगी ना, पॉलिसी पर स्टैंड मांगा कि नहीं मांगा आपने? 370 पर होनी चाहिए पॉलिसी पर स्टैंड, बता दीजिए। चलिए, कोर्स ऑफ लॉ कोर्स की बात हो रही थी अभी, रुकिए प्लीज, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, प्लीज, और रिक्वेस्ट है जी, मैं कोई कोर्स नहीं, एक कोर्स ऑफ अपना प्लीज, अब यहां पर शांत रहिए, शांत रहिए। विवेकानंद जी ने उसमें कहा था कि गुस्सा नहीं करना, नहीं नहीं, विवेकानंद जी ने बोला था डबल स्टैंडर्ड भी मत रखना, मैं पढ़कर आया हूं विवेकानंद जी को, और चलिए कम से कम भगवा चोला अब इनको अच्छा लगने लगा, वरना तो भगवा आतंक बोलते थे। सुनिए, ये भगवा चोले को आतंक का रंग बोलते थे, भगवा चोला पहनने वाला पसंद आया। एक हजार की बात कर लूं प्लीज, थोड़ा हां बोलिए, ऐसा है 370 कि अगर सीएजी की रिपोर्ट में 370 250 करोड़ 370 मैं बात कर लूं, मान्य अपनी अभी प्रधानमंत्री 370 पे बोल, आप एक स्टैंड पहले घुमा फिरा कर बात ना करें, क्लियर भैया, बताइए 370 सीएजी की रिपोर्ट में अगर 250 करोड़ रुपए का 1 किलोमीटर सड़क बन रहा है, तो महाठगों के सरदार का नाम नरेंद्र मोदी है, ये हेडलाइन नहीं भैया, ये अलाउड है नहीं, आप प्रधानमंत्री को महाठगों का सरदार कह रहे हैं, आप एक मामला बताइए जो साबित हुआ हो, आप एक मामला बताइए जो साबित हुआ हो, या माफी मांगिए आप, आप एक मामला बताइए जो साबित हुआ हो, आप एक मामला बताइए जो साबित हुआ हो, नहीं आप जो कह रहे हैं वो गलत है, जो आप शब्द है वो गलत है, नहीं वो मैं अलाउ नहीं करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले सभी सच्चे देशभक्त और रामभक्त प्लीज कृपया करके कमेंट सेक्शन में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय श्री राम जरूर से लिखा जाएगा। बात थी दोस्तों आज की इस डिबेट की, तो दोस्तों ये डिबेट 2024 के चुनाव को लेकर थी, जिसके अंदर दोस्तों सभी पार्टी के प्रवक्ताओं ने अपने अपने पक्ष इस डिबेट में रखे, और साथ ही दोस्तों जनता ने भी काफ़ी कड़े क्वेश्चन सभी पार्टी के प्रवक्ताओं से इस डिबेट में पूछे। अब दोस्तों बात करते हैं अनुराग भदौरिया साहब की। अनुराग भदौरिया साहब ने इस डिबेट में कहा कि हम 2024 के चुनाव में बीजेपी और एनडीए को उखाड़ के फेंक देंगे। तो मैं अनुराग भदौरिया साहब से यही बोलना चाहूँगा कि आपकी पार्टी की हैसियत नहीं है यूपी से बाहर, और आप बोल रहे हो हम बीजेपी को उखाड़ के फेंक देंगे। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि बीजेपी को आपको आपको बीजेपी ने आपकी पार्टी को उखाड़ के फेंक दिया यूपी से, तो आप बात तो करें मत उखाड़ के फेंकने की, पहले अपनी पार्टी की हैसियत तो बना लीजिए यूपी से बाहर, और फिर उखाड़ के फेंकने की बात करें, ठीक है। और बात कर रही उखाड़ के फेंकने की, तो ये पावर आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, ये पावर है जनता के पास, जनता को पता है किसे उखाड़ के फेंकना है 2024 के चुनाव में और किसे नहीं फेंकना है। तो प्लीज़ कृपया करके ज्ञान मत दीजिए, क्योंकि आपके ज्ञान की हमें ज़रूरत नहीं है। खैर दोस्तों, आपकी क्या राय इस डिबेट को लेकर, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करेगा। फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसे वीडियोज़ के, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।